महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ में शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले जूना अखाड़ा के संतों ने स्नान किया है। हर की पौड़ी पर आज सिर्फ साधु संत ही स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए कई घाटों को खाली कराया गया है। इसके बाद आह्वान अखाड़े और फिर किन्नर अखाड़े ने शाही स्नान किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हो रहा है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के बैंड ने नमः शिवाय की धुन बजाकर साधुओं के शाही स्नान का स्वागत किया। हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान का आगाज हो गया है। पहली बार किन्नर अखाड़े के संत भी शाही स्नान में शामिल हुए। बता दें कि इस बार सरकार ने कोरोना के चलते कुंभ की अवधि को 4 महीने से घटाकर 1 महीने का कर दिया है, जिसके चलते कुंभ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही होगा। लेकिन पहला शाही स्नान अखाड़ों की परंपरा के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो रहा है। शाही स्नान से पहले पूरी रात हरिद्वार में साधु संतों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान वे पूजा अर्चना करते नजर आए। शाही स्नान से पहले नागा साधुओं ने भी हरिद्वार में डेरा डाल लिया है। रात उन्होंने अलाव जलाकर गुजारी। शाही स्नान के लिए पहुंचे आम लोगों ने भी साधु संतों के साथ समय बिताया। शाही स्नान से पहले पूरी रात श्रद्धालुओं ने ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में स्नान किया। यहाँ ये भी बता दें कि सुबह की आरती के साथ ही यहाँ आम नागरिकों को स्नान की अनुमति नहीं होगी। यहाँ सिर्फ साधु संतों को ही स्नान करने की इजाजत होगी। वहीं आम लोगों के लिए अन्य घाट खुले रहेंगे। हालांकि परंपराओं के मुताबिक ब्रह्मकुंड में ही शाही स्नान का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता रहा है। शाही स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग इन अखाड़ों का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। बताते चले कि आने वाले शाही स्नान जो 12, 14 और 27 अप्रैल को होने हैं, उनमें अखाड़ों का क्रम बदला हुआ होगा। शाही स्नान को देखते हुए मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ ही हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स हरिद्वार में तैनात कर दिए गए हैं। बड़े कमर्शियल ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन कर दी गई है और कई जगह रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। आम लोगों के लिए 10 मार्च की रात से लेकर सुबह 8 बजे तक ही हर की पौड़ी और मालवीय द्वीप जैसे घाट स्नान के लिए खुले थे। सुबह 8 बजे के बाद सिर्फ साधु संत ही इन घाटों पर स्नान कर सकेंगे। वही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही मेला परिसर में एंट्री दी जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि महाशिवरात्रि शाही स्नान को गंभीरता से लेते हुए होटल, धर्मशालाओं, लॉन्च आदि में ठहरे श्रद्धालुओं की भी कोविड जाँच की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 टीमों का गठन किया गया है। टीम के साथ 2 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।